हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या पढ़ा था हमने उसमें आइए एक बार क्विक रिकैप देखते हैं हमने जाना था कि यदि ये वेरिएबल वाई है इस एक्सिस पे वाई वेरिएबल दिखाया गया है इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स दिखाया गया है इस एक्सिस पे और मान लीजिए कि वाई एक्स ग्राफ कुछ ऐसा बना है ये एक्स वन है और ये एक्स टू है एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स वन है और यहाँ एक्स टू है <coughs> यदि हमसे पूछा जा रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम X इज इक्वल टू एक्स वन टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू ठीक है जी ये हमसे पूछा जा रहा है तो इसको आंसर करने के दो तरीके हैं एक तरीका तो एल्जेबरिक है एल्जेबरिक तरीका है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या है भाई तो एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पे जो वाई का वैल्यू होगा यानी वाई एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वाई एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन विलेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम इक्वल टू एक्स टू ठीक है दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड ये तो पुराना तरीका है कल ये सारी बातें आपको बताई गई थी और ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का ये जो एलिवरिक तरीका है ये तो हमने रेट ऑफ चेंज के स्टार्टिंग में पढ़ा था कल हम लोगों ने जो पढ़ा वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा तो ग्राफ की मदद से हम कैसे बताएंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स टू वो आपको ये बताया गया कि एट एक्स इक्वल टू एक्स वन ग्राफ पे पॉइंट मार्क करिए एट एक्स इक्वल टू एक्स टू ग्राफ पे पॉइंट मार्क करिए आपने मार्क कर लिया अब इसके बाद एक काम करिए ग्राफ को x1 और x2 पे मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ को x इक्वल टू एक्स वन और x इक्वल टू एक्स टू इन दो पॉइंट्स पे क्या कर रही हो ज्वाइन कर रही हो ऐसी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे देखिए हमने कर दिया ड्रॉ अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे सो दिस एंगल एंगल थीटा द

दोनों पॉइंट्स पे ग्राफ के दोनों पॉइंट्स पे को मिलाने वाली एक सीधी रेखा हमने ड्रॉ कर दी और उसका स्लो फाइंड कर लिया एंड दैट स्लोप इट इंटरवल ये बात हम लोगों ने कल सीखी थी ठीक है आज हम लोगों का टॉपिक है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ठीक है आइए अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आज का हमारा टॉपिक है यही बहादुरों मान लीजिए कि y is equal to F of x दिया हुआ है यानी y इज सम फंक्शन ऑफ x हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू एक्स आपको तो पता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए होता है तो अभी हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विध रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू एक्स ये कैसे फाइंड करेंगे आपको ये पहले बताया गया है कि रेट रेट ऑफ ऑफ चेंज चेंज भी एवरेज ही होता है। याद करिए। कई बार इस सेंटेंस को हमने रिपीट करवाया था आपसे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी एवरेज रेट ऑफ चेंज ही होता है एक अत्यंत छोटे इंटरवल का याद करिए वो कहानी कि हमारी बस चल रही थी और बस हमने देखा कि 11 बजे से 11 बज के पॉइंट जीरो 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 वन सेकेंड तक की एवरेज स्पीड को ही हमने 11 बजे की इंस्टेंटेनियस स्पीड मान लिया था इसलिए क्योंकि वो इतना छोटा इंटरवल है पॉइंट जीरो 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 वन ये इतना छोटा इंटरवल है सेकेंड इतना छोटा इंटरवल है कि इतने छोटे इंटरवल में बस की स्पीड चेंज नहीं हो सकती प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होगा ऐसा हम सोचे कि चेंज हो सकती है तो वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होगा <coughs> तो अत्यंत सूक्ष्म इनफाइनेटिस स्मॉल इंटरवल का जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम इंटरवल के स्टार्टिंग वाले इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मान लेते हैं तो यहां पे जब आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अटैचक्स बताना है तो दैट इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू क्योंकि एवरेज रेट ऑफ चेंज तो कहीं से कहीं तक होगा x की किसी वैल्यू से किसी वैल्यू तक के लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू एक्स टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स इज डेल्टा एक्स इज इनफाइनाइट एसिमली यानी अत्यंत स्मॉल बहादुरों इसी को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते थे लिमिट डेल्टा एक्सटेंड्स टू जीरो

किसी भी वेरिएबल का सबसे छोटा इंटरवल क्या है जीरो है तो ये लेकिन हमको जो डेल्टा एक्स है वो जीरो नहीं रखना है जीरो से जरा सा ज्यादा रखना क्योंकि जीरो रख देंगे तो जीरो इंटरवल का एवरेज रेट ऑफ चेंज तो डिफाइन ही नहीं है जीरो का तो एवरेज रेट ऑफ चेंज डिफाइन नहीं होगा इंटरवल कुछ तो लेना पड़ेगा तो अत्यंत सूक्ष्म यानी ऑलमोस्ट इट टेंड्स टू जीरो जीरो होना चाहता है डेल्टा एक्स

जिसका नाम था डिफ्रेंसियन मशीन और फिर इसको हम कहने लगे थे या ऑफ ठीक है है तो ये पुरानी बात है। जो हमने यहां हेडिंग लिखा है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वो तो ये नहीं है ये कौन सा इंटरप्रिटेशन है भाई ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की कौन कैसी समझ है ये किस तरह से आपको इसमें क्या समझाया गया है तो यहां आपको जो समझाया गया है दिस इज एलजेबरिक रिपर एलजेबरिक इंटरप्रिटेशन ये क्या है एलजेबरिक इंटरप्रटेशन एलजेबरिक इंटरप्रेबरिक इंटरप्रिटेशन ये एलजेबरिक समझ है किसकी तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की और हमको तो समझना है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखना है यहां पे तो आइए इसी चीज को हम ग्राफ पे लेके चलते हैं मान लीजिए कि मैंने ये, ये वाई एक्सिस लिया और ये एक्स एक्सिस लिया बोले तो इस एक्सिस पे हम वर्टिकल एक्सिस पे वाई वेरिएबल दिखा रहे हैं या एक्स दिखा रहे हैं और मान लीजिए ग्राफ पुनः मैंने फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आसानी के लिए ऐसे ही बना दिया बहादुरों अब देखना जरा ध्यान से ये हमारा वो पॉइंट है जहां पे हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए बोले तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू एक्स बहादुरों यहां पे देखो अब मैंने ये पॉइंट मार्क किया क्योंकि मुझे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए तो हम तो देख रहे हैं यहां पर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विध रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्सल टू एक्स टू एक्सल टू एक्स प्लस के बीच में हमको चाहिए क्या एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विध रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स और ये देखिए इसके जस्ट बगल में यानी मैं यहां रख देता हूं ये देखो ये जो पॉइंट हमने मार्क किया दिस इज एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x ठीक है तो यहां पे ये ग्राफ पे ये पॉइंट हुआ x इक्वल टू एक्स और ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर कहां पे हुआ ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर हुआ यहां पे ठीक है ग्राफ के ऊपर ध्यान दीजिएगा मैंने दो पॉइंट्स मार्क किए हैं x इज इक्वल टू एक्स ये पॉइंट रहा और x इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये पॉइंट रहा ठीक है तो अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं ठीक है जी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन मैंने देखिए ड्रॉ कर दी जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही दे, दे, दिस इज द स्ट्रेट लाइन दिस इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग द वाई एक्स ग्राफ वाई एक्स ग्राफ एट x is equal to x and at points x is equal to x and x is equal to x plus delta x सही है अब जरा सोचो तो अब इसका स्लोप मैं देखने जा रहा हूं ये देखो ये एंगल मान लो थीटा है तो इसका स्लोप क्या है इसका स्लोप है टेन थीटा एंगल दिस एंगल थीटा इज फॉर्म्ड बाई दिसन विद पॉजिटिव डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हुआ टेन थीटा अब एक तरह से देखा जाए तो टेन थीटा क्या हुआ यहां पर हियर हियर एवरेज रेट ऑफ हियर एवरेज रेट ऑफ ये तो पुरानी बात है यानी पिछला वाला ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है और पिछला वाला तो हमें करना ही होगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कुछ और नहीं बल्कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ही तो इंस्टेंटेनियस भी होता है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू एक्स टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ग्राफ एट पॉइंट टू एक्स एंड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बहाद्रुआ ध्यान देना और कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं यहां तक आप वीडियो पॉज करके आप नोट करिए फटाफट अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग हेडिंग दिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और ग्राफ में हमने जो काम किया है उसमें तो यह लग रहा है कि हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करने वाले हैं तो ये कैसे होगा सर हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और यहां हम फाइन कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज तो शायद आप ये बात समझ रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी है यानी जब हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो दरअसल हमको देखिए यहां एवरेज रेट ऑफ चेंज ही तो फाइंड करना है डेल्टा वाई वाई डेल्टा एक्स फाइंड तो करना है बस उसमें कंडीशन क्या जुड़ जा रही है कि हमारा डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अब देखिए यहां देखिएगा ये जो डेल्टा एक्स है ये यहां से यहां तक इतना बड़ा इंटरवल है हमारा ये इंटरवल देखिए यहां से यहां तक यहां से यहां तक ये यह इंटरवल हमारा क्या है डेल्टा एक्स बहादुरों ये इंटरवल क्या है डेल्टा एक्स अब इस डेल्टा एक्स को टेंड्स टू जीरो और छोटा करना है अत्यंत सूक्ष्म तो जितना छोटा करेंगे ये डेल्टा एक्स इफ दिस डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इट मींस दिस पॉइंट ये राइट साइड वाला पॉइंट क्योंकि तो वहीं रहेगा डेल्टा एक्स छोटा होगा तो ये वाला पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाला पॉइंट विल ऑलमोस्ट कॉन्साइड विद दिस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स वो बात अब मैं लिखने जा रहा हूं जरा गौर करिएगा ठीक है गौर करिएगा बहुत ध्यान से देखते रहिएगा ठीक है थीके? अब देखिए मैं इसको रब करूंगा आपने ये सब नोट कर लिया वीडियो पॉज करके अब अगली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है बहुत ध्यान से देखना है आपको देखिएगा नाउ सिंस डेल्टा एक्स tends to zero tends to zero. So the point so the point x is equal to x plus delta x almost almost overlaps 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 with with point x is equal to x ऑन द ग्राफ ऑन द वाई एक्स ग्राफ ऑन द वाई एक्स ग्राफ बहादुरों, जरा देखो ग्राफ पे एक्स एक्स इज़ इक्वल टू वाला पॉइंट तो यहां है और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाला पॉइंट यहां है अब ये बताओ डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा ये राइट right साइड वाला पॉइंट इसके उतना करीब आता जाएगा तो अगर डेल्टा एक्स में कह दू जीरो हो गया तो इसका तो मतलब है कि एक ही पॉइंट हो गया ये दोनों लेकिन एकदम जीरो नहीं लगभग जीरो हो गया तो जितना वो जीरो के करीब होगा ये डेल्टा एक्स ये राइट साइड वाला पॉइंट लेफ्ट साइड वाले पॉइंट के उतना करीब आएगा तो कहता है ऑलमोस्ट ओवरलैप सहमत है आप क्योंकि तो डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट एक्स ही के बराबर है यानी ये पॉइंट जो कि ग्राफ पे यहां दिख रहा है वो लगभग यही चला आएगा और यदि लगभग यहां चला आया तो ये जो स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है ग्राफ के ऊपर एंड देन एंड देन एंड देन लाइन अब ध्यान दीजिएगा एंड देन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Joining the two points, joining the two points, x is equal to x and x is equal to x plus delta x on the yx graph, on the yx graph will, will almost, will almost touch the yx graph. Hey bahadro. अब ये दो पॉइंट्स पर जो क्योंकि वो तो दोनों पॉइंट्स एक ही हो गए ना दूसरा वाला जो पॉइंट था नहीं राइट साइड वाला जो पॉइंट था वो तो लगभग लेफ्ट साइड के ऊपर आके बैठ गया क्योंकि डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो हो गया तो ये राइट साइड वाला पॉइंट एकदम एक्स इज इक्वल टू एक्स के बिल्कुल करीब आ गया तो ये जो लाइन इन दोनों को देखो डेल्टा एक्स जितना दूर रखोगे जितना दूर रहेगा ये लाइन उतना ज्यादा जैसे यहां पर मान लीजिएगा यहां रहा ऐसा तो जितना दूर रहेगा उतना स्पष्ट ये दो जगहों पे कट कर रहा है ग्राफ को लेकिन ये जितना करीब आता गया अब देखते जाइए आप एकदम बिल्कुल अगर एकदम पास ला दिए तो क्या होगा एक ही लाइन मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो जब दोनों पॉइंट एक ही जगह आ गए तो एक ही पॉइंट पे वो लाइन टच करेगी ग्राफ को ये बात समझ में आनी चाहिए तो वही लिखा जा रहा विल ऑलमोस्ट टच ग्राफ एट एट पॉइंट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स बहादुरों आपने पढ़ा होगा टेंजेंट के बारे में स्पर्शी रेखा जिसको हिंदी में कहते हैं सुना होगा नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको वेक्टर में बताया था कि वेलोसिटी टेंजेंट के होती है जब हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने वहां डायरेक्टली आपको बताया था हमने वैसे फिजिक्स के पहले चैप्टर काइनेमेटिक्स में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि वाई वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट बट इफ स्टिल यू हैव फॉर गॉड दैट वॉट इज टेंजेंट तो वो भी मैं याद दिला दूंगा लेकिन जो लाइन टच करती है किसी ग्राफ को किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है उस लाइन को हम उस ग्राफ का टेंजेंट कहते हैं उस पॉइंट पर तो पहले मैं टेंजेंट की परिभाषा लिख दूं देखिए टेंजेंट है ना देखिए मैं टेंजेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं टेंजेंट <coughs> Any straight line, any straight line touching a graph, a curve at a point, at a point of it is called is called. टेंजेंट टू दैट ग्राफ और कर दैट पॉइंट कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसी ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करती है वो उस ग्राफ का टेंजेंट कहलाती है उस पॉइंट तो मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि डेल्टा एक्स को और छोटा करके इसी वाई एक्स तो देखिए ये वाई एक्सेस और ये हमारा एक्स एक्सेस ठीक है ये हमने वाई एक्स ग्राफ बना दिया बहादुरों ये हमारा पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स है और ये पॉइंट ये देखना इस बार हमने डेल्टा एक्स को वेयर डेल्टा एक्स इज इनफाइनाइटिम्बली स्मॉल अत्यंत छोटा कर दिया डेल्टा एक्स को इनफाइनाइटिम्बली स्मॉल कर दिया अब कोई संदेह ही नहीं है कि ये दोनों पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर एक ही जगह पे हैं। अब जब मैं इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा देखिए ऐसे कर रहा हूं मैं इन दोनों को मिलाने वाली मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पे क्या कर रही है टच कर रही है और किस पॉइंट पे टच कर रही है ये एंगल से कि थीटा है विच दिस स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस सो सी हियर एवरेज स्टिल अभी भी हम इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज ही कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू एस प्लस डेल्टा एक्स लेकिन यहां एक लाइन में बढ़ाऊंगा कि वेयर वेयर डेल्टा एक्स इज इनफाइनाइट एसिमली स्मॉल बहादुरों ध्यान नहीं हटाना इनफाइनाइट स्मॉल इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी इसी चीज को हम अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स तो टू जीरो एंड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो मैथमेटिकली हम एल्जेबरिकली इसको कैसे फाइंड करते थे क्या करके फाइंड करते थे तो आपको पता होगा इसको हम डी वाई वेडीएक्स कहते थे वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं लेकिन इसका वैल्यू ग्राफिकली हमको क्या मिला तो वही मिला थीटा क्या मिला टेन थीटा एंड दिस टेन थीटा इज वॉट नाउ यू से अब आप बताइए टें थीटा है क्या क्या टेन थीटा को अभी भी हम कहेंगे कि ग्राफ को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली सीधी रेखा का स्लोप तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि ग्राफ को दो बिंदुओं पर मिलाने की बजाय ये स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्राफ को एक ही बिंदु पर क्या कर रही है टच कर रही है बोले तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को दो बिंदुओं पर कट नहीं कर रही बल्कि एक पॉइंट पे टच कर रही है और जब किसी एक पॉइंट पे ग्राफ को टच करती है कोई सीधी रेखा तो उसको हम क्या कहते हैं टेंजेंट कहते हैं सो दिस इज सिंपली स्लोप ऑफ Slope of tangent, slope of tangent to yx graph, slope of tangent to yx graph at x is equal to x. Badru, slope of tangent to yx graph at x is equal to x. And you see, average rate of change of y with respect to x from x equal to x to x equal to x plus delta x, where delta x is infinitesimally small. यही चीज हमारा ये जो मैं लिख रहा हूं यही चीज हमारा क्या है यही चीज तो हमारा है है यही तो ऊपर लिखा लिखा हुआ हुआ जी अभी जो लिखा हुआ था मैंने हैल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विध रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वल टू एक्स टू x टू एक्स प्लस डेल्टा एक्सर डेल्टा एक्स इज इन फाइनड एसम तो वही चीज मैं दोबारा से Instantaneous rate of change of y with respect to x at at x is equal to x. This is equal to average rate of change. See, this is equal to average rate of change of y with respect to x from x equal to s to x is equal to x plus delta x. वेयर डेल्टा एक्स इज इनफाइट स्मॉल तो आपको क्या चाहिए था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विध रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए था और वो आपको मिला लास्टली uh, किस रूप में तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई एक्स ग्राफ एट एक्स इक्वल टू एक्स फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करिए यही कंक्लूजन है इसको एक बार मैं स्टार लगा के भी लिख देता हूं आप फटाफट नोट करिए यानी वाई एक्स ग्राफ के uh, किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप हमें उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बताता है वीडियो पॉज करके आप फटाफट नोट करिए ठीक है अब देखिए, अब देखिए आपको क्या पता लगा यहां पे आपको पता लगा कि वाई एक्स ग्राफ वाई एक्स ग्राफ के किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप टेंजेंट का स्लोप एंड स्लोप यू ऑल आर मास्टर इन वाई एक्स ग्राफ के स्ट्रेट लाइन वाले लेक्चर में आपको स्लोप का मास्टर बनाया गया किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देता है ठीक है बोले तो टेंजेंट टू वाई एक्स ग्राफ एट एक्स इज इक्वल टू एक्स मैंने मे बी एनी एक्स एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब एक्स इक्वल टू वन टू थ्री कुछ भी तो tangent to ys graph at x equal to x uh, in fact slope of slope of tangent to ys graph at x equal to x gives instantaneous rate of change of y with respect to x at x equal to x. जो जो ये जो line ये लाइन है है आपका फाइनल वो हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है तो भूलना नहीं चाहिए इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया पिछली वाली बात भी कि भाई ग्राफ को दो पॉइंट्स पर ज्वाइन करने वाली सीधी रेखा का स्लोप क्या देगा उन दो पॉइंट्स के बीच के इंटरवल के लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू तो एक्स देगा और वाई एस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप क्या देगा तो वो हमें आ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी उस X की पर्टिकुलर वैल्यू पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देगा फटाफट आप फटा कंक्लूजन को नोट करिए और आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि यदि मैं कहूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू से अब खाली स्थान भरिएगा आप है ना आप समझिए फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल देके पूछ रहा हूं कि एग्जाम्पल बोल के स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ एट एट टाइम टी इज इक्वल टू से टी नॉट बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ एट टाइम एट ए टाइम टीज इक्वल टू टी नॉट यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दिया गया टीज इक्वल टू टी नॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू डिस्टेंस टू टी नॉट गिव्स अस अब यहां बताओ क्या बार हो गया बताओ तो डेफिनेटली ये क्या दे रहा है हमें ये क्या देगा ये देगा इंस्टेंटेनियस अरे भाई जहां y ये देखो डिस्टेंस कवर्ड किसकी जगह हो गया ये ये वाई की जगह डिस्टेंस कवर्ड लिख दिया हमने और टाइम किसकी जगह लिख दिया एक्स की जगह लिख दिया तो वाई एक्स ग्राफ पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देता है तो यहाँ हमें डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप क्या देगा तो हमें देगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो इंस्टेंटेनियस छोड़िए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को वर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या कहते हैं स्पीड तो क्या देगा हमें स्पीड देगा और कौन सी स्पीड देगा बहादुरों तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कब क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड जब आप बोल रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा किस इंस्टेंट instant की इंस्टेंटेनियस स्पीड तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम या एट इंस्टेंट विच इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी नॉट एट इंस्टेंट टीज इक्वल टू टी नॉट गॉड एट एट इंस्टेंट टीज इक्वल टू टी नॉट तो ये एक एग्जाम्पल रहा इसको भी आप नोट करेंगे एंड uh, लगे हाथ आप एक और क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए तब मैं आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछता हूं ठीक है आप लगे हाथ एक और क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए एंड देन आई लास्क यू अ ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स दो वी हैव नॉट स्टार्टेड फिजिक्स येट बट आप उसका जवाब दे सकते हैं देखिएगा है कैसे एक और चलिए इसको एग्जाम्पल नंबर वन कर देता हूँ, इसको एग्जाम्पल नंबर टू कर देता हूँ। अब बताइएगा स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग Slope of straight line joining distance covered versus time graph versus time graph at points, yeah, at instants, at instants, yeah, times t is equal to t one. एंड टी इज इक्वल टू टी टू गिव अब यहां आप फिल करिए क्या देगा बताइए तो पुनः वही बात की स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस का वर्ड वर्सेज टाइम ग्राफ एट इंस्टेंट्स या टाइम्स दो समय पर ग्राफ के ऊपर दो समय पर यानी दो पॉइंट्स पर ग्राफ को मिलाने वाली हम एक सीधी रेखा खींच रहे हैं और उसका क्या फाइंड कर रहे हैं स्लोप फाइंड कर रहे हैं पुनः देखिए डिस्टेंस कवर्ड किसकी जगह है भाई वाई की जगह है और टाइम किसकी जगह है एक्स की जगह है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तो मिलता है टेंजेंट के स्लोप से लेकिन दो पॉइंट्स पर मिलाने वाली सीधी रेखा का स्लोप क्या देता है बादरू तो आपको याद है अच्छी बात है एवरेज रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देता है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ यहां वाई क्या है डिस्टेंस कवर्ड है और टाइम क्या है एक्स की जगह क्या है टाइम है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा एंड दैट इज चलिए पूरा लिख देता हूं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज अर्थात एवरेज स्पीड फॉर इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू टी वन टू टी इज इक्वल टू टी टू यानी हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे एवरेज स्पीड तो इसी को अंडरलाइन करिए एवरेज स्पीड फॉर इंटरवल इज इक्वल इक्वल टू 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 टी इज इज एंड हियर द इंटरवल टाइम इंटरवल गॉट इट तो दो पॉइंट्स पर मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप एवरेज रेट ऑफ चेंज देता है तो वही मैंने लिख दिया एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विध रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप यहां से पढ़िए जरा रेट एवरेज छोड़िए यहां से पढ़िए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विध रिस्पेक्ट टू टाइम को एक वर्ड से अगर रिप्लेस करना हो तो कैसे करेंगे आप स्पीड से करेंगे तो वही एवरेज रहने दिया एवरेज एंड स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का वर्ड स्पीड हो गया उसी तरह यहां भी चाहते तो हम जो लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड तो इसको लिख सकते थे यहां स्पीड की जगह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट टाइम या इंस्टेंट इज इक्वल टू टी नॉट तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमको कैसे मिलेगी डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ के टेंजेंट के स्लोप से और एवरेज स्पीड हमको कैसे मिलेगी तो डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ को दो पॉइंट्स पर या दो इंस्टेंट पर मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के स्लोप से ठीक है अब फटाफट वीडियो पॉज करके पूरी बात नोट करिए एंड देन हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से चेक करते हैं कि आपको बात कितनी समझ में आई है ठीक है फटाफट नोट करिए अब आइए क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा अब आपको समझ में तो बात आ गई है कई बार हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों ने और स्पीड डिस्टेंस कवर टाइम ये सब एग्जाम्पल्स लिए मतलब ये सब पैरामीटर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि हमको ये क्वेश्चंस फिजिबल लगें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना <coughs> वैसे तो हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज का जब मतलब सीखा था तो याद होगा आपको कि चीनी का जब हम क्या, क्या, रेट पूछते थे दुकान पे जाके हमने एग्जांपल्स दिए थे कि सुगर क्या रेट है तो चालीस रुपया पर केजी है दैट रेट इट सेल्फ वॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ सुगर विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सुगर ये सारी बातें हुई हैं और ये दस ग्यारह क्लास में आपने रेट ऑफ चेंज पढ़ा है तब तो आप यहां पहुंचे हैं तो इसलिए मैं सीधे यहां लिख रहा हूं देखिएगा क्या डिस्टेंस कवर्ड कोई y नहीं लिख रहा हूं मैं सीधे वेरिएबल क्या लिख रहा हूं डिस्टेंस कवर्ड यहां दे रहा हूं मैं क्या टाइम हाँ ये जरूर है मैं चाहता तो डिस्टेंस कवर्ड की जगह s एक वेरिएबल दे देता दे दे और टाइम की जगह मैं t कह देता दे बहादुरों ऐसा ग्राफ दिया गया है आपको ऐसा ग्राफ दिया गया ठीक है अब जब ऐसा ग्राफ दिया गया ध्यान दीजिएगा ये ग्राफ जैसा मैं बना रहा हूं वैसा ही कॉपी में ड्रॉप करेंगे आप, ऐसा नहीं कि ऐसा आप अपनी मर्जी से ऐसा कुछ बना दिए बिल्कुल नहीं ऐसा ग्राफ हमने आपको दिया है और आपसे आप देखिएगा ध्यान से, से सोचिएगा आपको करना है कि क्या जो है आपसे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो आपको सोचना है और ये फिजिक्स का काइनेमेटिक्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन है एक किताब आती है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय इरोडो इरोडो की एक सो कॉल्ड टफ क्वेश्चन का संग्रह उस किताब में उसमें से एक क्वेश्चन है जो फिजिक्स में भी हम लोग एक बार करेंगे लेकिन तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो ये तो हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज में ही कर लिया था ये क्वेश्चन बहादुरों इस क्वेश्चन में डराने के लिए आपको ये बात नहीं बोल रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन अभी आप खटक करेंगे तुरंत यदि आपको पिछली क्लास और आज की क्लास बोले तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज पिछली क्लास में पढ़ाया गया और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो आज की क्लास में पढ़ा गया ये दोनों बातें दोनों लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत देंगे क्योंकि आपको पता है कि यदि मैं बात स्पीड की करूं तो स्पीड कुछ और नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो जब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछूंगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो आप उस इंस्टेंट पे क्या करेंगे टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट का क्या निकाल देंगे स्लोप निकाल देंगे और मुझे बता देंगे कि सर ये होगा उसी तरह यदि मैं कहूं कि एवरेज स्पीड बताओ तो आप जिन दो इंटरवल मैंने जिन दो समयों के बीच में जिस इंटरवल के लिए मैं एवरेज स्पीड पूछूंगा उन दो समयों पर ग्राफ पे वो दो समय मार्क करेंगे आप जैसे मान लीजिए मैं कहूं यहां t1 है यहां t2 है तो t1 देखेंगे ग्राफ पे यहां होगा t2 देखेंगे ग्राफ पे यहां होगा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली सीधी रेखा खींचेंगे उस रेखा का स्लोप निकालेंगे यानी आगे वाला एंगल एंड जो भी आगे वाला एंगल मान लीजिए अल्फा है तो टेन अल्फा विल बी एवरेज स्पीड फॉर टाइम इंटरवल फ्रॉम इक्वल टू टी वन टू इक्वल टू टी टू अब आपसे देखिए इस ब्रिलियंट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि गैस गैस मैंने अंदाजा लगाना है क्योंकि यहां तो कुछ टाइम लिखा नहीं गया कि ये टाइम टीज इक्वल टू टू सेकेंड है फोर सेकंड है इलेवन ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं तो मैं कह रहा हूं गैस करिए अंदाजा लगाइए कि शायद यहां होगा यहां कहीं होगा यहां होगा यहां होगा यहां होगा कहाँ पता नहीं कहां होगा आप क्या गैस करना है गैस द इंस्टेंट गैस द इंस्टेंट वेन इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इज इक्वल टू एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड टिल दैट इंस्टेंट बहादुरों यानी आप अंदाजा लगाइए वह समय पता करिए जिस समय हिंदी में लिख दूं वह समय वह समय बताइए वह समय बताइए जब इंस्टेंटेनियस स्पीड उस समय तक की और कब से उस समय तक मैं कहूं कि टिल दैट इंस्टेंट तो टिल दैट उस समय कह रहा है कि गैस द इंस्टेंट वह इंस्टेंट यहां पता करिए अंदाजा लगाइए कि जिस तत्क्षण पर इंस्टेंटेनियस स्पीड उस समय तक की तो कब से उस समय तक की जीरो से उस समय तक की इस समय तक मैं कहूं अब तक क्या कर रहे थे यार अब तक नहीं पढ़ा तुमने तो जब से आपने पढ़ाई शुरू की मैं कि किसी को मान लीजिए नहीं आता है एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है तो मैं उसको क्या कहूंगा कि अब तक क्या पढ़ रहे थे तुम तो? तो अब तक क्या पढ़ रहे थे अब तक बोले तो कब से अब तक क्या आज तीन बजे से अब तक या जब से क्लास शुरू हुई है तब से अब तक क्योंकि मैंने आज तो कोई एप्पल इसका स्पेलिंग बताया नहीं अब तक बोले तो जब से आप पढ़ाई कर रहे हैं तब से अब तक क्या कर रहे थे कि अब तक आपने एप्पल का स्पेलिंग नहीं सीखा ठीक उसी तरह से हाँ, ये आपको सीखना क्योंकि तो क्वेश्चन पूछने वाला आपसे जब आपके सामने क्वेश्चन होगा उस समय आके वो आपसे नहीं बताएगा तो आपसे जब ये लैंग्वेज बोला गया कि इज इक्वल टू एवरेज स्पीड टिल दैट इंस्टेंट मतलब उस समय तक की एवरेज स्पीड अब आप कहेंगे कि सर एवरेज स्पीड तो एक इंटरवल में होता है यहाँ इंटरवल तो दे नहीं रहा है सीधे कह रहा है उस समय तक की अरे भाई उस समय तक की एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि जब से शुरू हुई है गति तो गति कब से शुरू हुई है टी इक्वल टू जीरो से इसने दूरी तय करना शुरू कर दिया है बेशक टी इक्वल टू जीरो पर तय की गई दूरी का मान जीरो है लेकिन शुरुआत तो हो गई है तय करना उसी समय गाड़ी चली है गाड़ी हो या आदमी हो या जो भी है जिसका भी ये ग्राफ हो तो कह नहीं रहा है। लेकिन जिस भी ऑब्जेक्ट का यह ग्राफ है वो वस्तु तो या व्यक्ति t इक्वल टू जीरो पे ही चलना शुरू कर दिया है बहादुरों वह समय बताइए जब इंस्टेंटेनियस स्पीड उस समय तक की हुँ। एवरेज हुँ। स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर है ठीक है ये बताना आपको अब मैं आपको बता रहा हूं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए अब मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ रेट ऑफ चेंज मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है ये जानेंगे हम लोग अगली क्लास में लेकिन अगली क्लास में बोले तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे है ना यानी करके आएंगे और मेरे जवाब से उनका जवाब बिल्कुल मैच करेगा मुझे पूरा भरो, भरोसा है अभी भी कुछ लोग बताना चाह रहे होंगे लेकिन ऐसा हम लोग इसलिए नहीं कर पाएंगे अभी क्योंकि मैं जानबूझ के सब मैं चाहता हूं कि सभी के सही जवाब हों तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज यदि करना है अगर आपको लगता है कि सवाल नहीं बन रहा है तो बस एक ही काम करिए कि पिछली क्लास और आज की क्लास के इस वीडियो लेक्चर को आज की वीडियो लेक्चर को और पिछले वीडियो लेक्चर को दोनों को बहुत ध्यान से दोबारा देखिए तिबारा देखिए चौथी बार देखिए मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि ज़्यादातर लोग तो अभी इसका जवाब बिल्कुल सोच के बैठ गए होंगे तो अगली क्लास में मैं इसके सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करूंगा

मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आप नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच